वहीं हरियाणा के लोकसभा चुनाव प्रभारी बीजेपी के लिए कलराज मिश्र पंचकुला पहुंचे और स्वागत उनका किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कलराज मिश्र ने कहा कि अगस्ता डील में कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गई है। हरियाणा में संगठन के आधार पर रणनीति बनाई गई है, साथ ही हरियाणा में हम 10 की 10 यानी कि सभी सीटें जीतेंगे। स्वागत समारोह में कलराज मिश्र के साथ अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया और बीजेपी के स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। यहां जो रणनीति बनाई है संगठन के आधार पर, सरकार के किए गए कार्य, प्रदेश और केंद्र और संगठनात्मक हमारी रचना, ये दोनों निचले स्तर तक हमने पहुंचाया है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता एक्टिवेट हुए और जिस तरीके से देश के अंदर घटनाएं घट रही है उसका लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। जनता भी हमारे साथ, इन दोनों को ध्यान में रखकर हम व्यूह रचना कर रहे हैं ताकि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। हमारे जवानों ने कहा है कि हमने किया है, हम अपने जवानों पर विश्वास रखते हैं और जवान कह रहा है कि हमने किया है F-21 को ध्वस्त किया है, तो उसको हम ज्यादा सही मानते हैं। अब अमेरिका ने किस उसे किया वो अमेरिका जाने, लेकिन हमारे जवान ने किया है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, अनुभव किया है हमने, तो उसको हम झूठ नहीं कह सकते। अगस्ता डील के बारे में, अगस्ता डील में प्रत्यक्ष रूप से पूरी कांग्रेस शामिल हो गई है। अब तो उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे अहमद पटेल, उनका भी नाम आ गया है। ये धीरे धीरे सारी चीजें आती जा रही है।